देखिए ये वाली डिजाइन हम डाल चुके हैं, अब हम ये वाली डिजाइन डालेंगे। ये डिजाइन 8 सलाइयों में बनी है, अब नवी सलाई इस तरह से बनाएंगे। चार फंदे सीधे बुने, उसके बाद दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके दो फंदे एक साथ बुने, फिर धागा आगे करके चार फंदे सीधे बुने। अब दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके दो फंदे फिर एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। अगली सीधी सिलाई तीन फंदे सीधे बुने, उसके बाद दो फंदे एक साथ सीधे बुने, धागा आगे करके फिर दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके चार फंदे सीधे बुने। फिर दो फंदे एक साथ सीधे बुने, धागा आगे करके दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए इस तरह से आएगा। अब अगली सिलाई दो फंदे सीधे बुने, अब दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके चार फंदे सीधे बुने। अब दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके बाकी बचे फंदे सीधे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे।
देखिए अगली सिलाई सीधी, एक फंदा सीधा बुना, दो फंदे एक साथ पीछे से सीधे बुने, धागा आगे करके, दो फंदे एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे करके चार फंदे सीधे बुने। अब दो फंदे पीछे से सीधे एक साथ बुने, फिर धागा आगे करके दो फंदे पीछे से सीधे एक साथ बुने, फिर धागा आगे करके बाकी बचे फंदे सीधे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए ये इस तरह से डिजाइन आई है। देखिए अब यहाँ से पहली सिलाई से 16 सिलाई तक फिर दोबारा दोहराएंगे, पूरी डिजाइन इसी तरह दोहराते जाएंगे। देखिए इस स्वेटर में मैंने आगे पीछे आस्तीन पूरे स्वेटर में डिजाइन डाली है।